जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपकी होती है, बढ़िया तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो साथियों। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया प्रश्न है आपके लिए लाया जाता है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करें। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है मात्र 1500 में 12 महीने के लिए, दोस्तों ये एडमिशन ले सकते हैं टीजीटी पीजीटी वाले, ठीक है, मास्टर कैडर केबीएस वाले, जो भी हमारे साथी हैं डीएसएसबी वाले साथी हैं। हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों अभी नया बैच चालू हुआ है, आप हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से बंपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए दोस्तों एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है और ये मॉडल पेपर जो है बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर है, ठीक है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आप 30 मॉडल पेपर कुल मिला के 4500 क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, सुसाथी आप लोग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो कोर्स है मात्र 1500 का है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फटाफट से, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, टीजीटी पीजीटी का ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आप सभी साथी इस बैच में एडमिशन लेकर के दोस्तों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और दोस्तों, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ये जो नोट्स है वो लॉन्च किए गए हैं, इसमें 3000 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 3000 प्रश्न है, ठीक है। और ये 3000 प्रश्न हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के हैं, टॉपिक वाइज हैं, ठीक है। ये मात्र 599 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। वाई पोस्ट करना क्या है, ये 9098609229 वाला जो नंबर है नीचे चल रहा है उस पे दोस्तों आपको 599 फोन पे करना है, स्क्रीनशॉट देना है इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे और अपना पूरा पता देना, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये जो पूरा ये जो दोस्तों इसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचेगी, ठीक है। सो जिन भी साथियों को मंगवाना, बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का संकलन किया गया है, आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, वो भी दोस्तों संपर्क करें। आज का क्वेश्चन है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर भी कर देना, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सभी लोग चयन करें, वीडियो को लाइक भी कर देना, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र है, मेरुतुंग है, सोमप्रभ सूरी है या फिर सारंगधर है, चयन करिए कुमारपाल प्रतिबोध। और वीडियो को लाइक भी कर देना, 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और सभी लोगों को पता है कि आजकल जो कुमारपाल प्रतिबोध पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, कुमार लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कुमारी लोग बोले सर सोम रस का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, सोम, तो सोम प्रभ सूरी की रचना है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को, मेरुतुंग को, सारंगधर को या फिर सोम प्रभ सूरी को, 52 नंबर के क्वेश्चन में अनुज कुमार जी बताइए प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि बताना है 52 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताएंगे प्राकृत का पाणिनि पूछा। आपको पता है दोस्तों कि संस्कृत के बाद जो है पाली और पाली के बाद जो विकास हुआ वो प्राकृत का विकास हुआ, ठीक है। यहां पर प्राकृत का पाणिनि पूछा गया तब आपने हेमचंद्र लगा दिया, ये बिल्कुल सही है हेमचंद्र, ठीक है, वेरी गुड। ये नंबर इनकी दोस्तों रचना का नाम है हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है, बहुत बढ़िया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 53 नंबर में, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी का पूरा कोर्स है, ठीक है, साथ ही रोज एक टेस्ट भी होता है दोस्तों। तो यहां पर आपसे पूछा गया रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, 53 नंबर के क्वेश्चन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गारसदा तासी या फिर कविराज श्यामल दास ने, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 53 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर जा रहा कि सर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानने वाले जो विद्वान हैं
वो विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी आपका राइट आंसर है। लाइक कर देना दोस्तों, और ये अभ्यास आपको निरंतर करना है। हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन। एक एक प्रश्नों पर अध्ययन अपना चल रहा है दोस्तों, एक एक प्रश्नों पर हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक एक प्रश्नों से साक्षात्कार आपका हो रहा है। हर प्रसाद शास्त्री के बारे में पूछा गया, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है। अच्छा क्वेश्चन, रासक से, राज यस से, राज सुए से, या फिर रहस्य से। 54 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बहुत ही बढ़िया आंसर बताएंगे, इतना बढ़िया आंसर सभी लोगों को चयन करना है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो रहा है, सही उत्तर बताइए जल्दी से, फटाफट चयन करिए। 54 में वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आपको मैंने कई बार बताया कि राज यश हर व्यक्ति राज यश का हर व्यक्ति प्रसाद लेना चाहता है, या हर व्यक्ति राज यश प्राप्त करना चाहता है। तो राज यश याद कर लेना, रासो शब्द की व्युत्पत्ति राज यश से मानने वाले जो हैं वो हर प्रसाद शास्त्री हैं। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति का प्रचलित और सैद्धांतिक मत क्या है, सैद्धांतिक मत और प्रचलित मत क्या है। 55 नंबर में बताइए जल्दी से। दारसु जी, दीक्षा यादव जी, जितने भी साथी हैं लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों को शेयर कर देना। रासो शब्द की व्युत्पत्ति प्रचलित और सैद्धांतिक मत बताना है, सैद्धांतिक मत कौन सा है, सैद्धांतिक मत बताइए। रासक से, रास से, रसायन, या फिर राजयस से। 55 नंबर के क्वेश्चनों में दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ट्रिक आपको बताई जाती है कि आप लोग कभी नहीं भूल सकते। और आपने उत्तर बताया कि सर रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इसका जो प्रचलित और सैद्धांतिक मत है वो क्या है, रासक। रासक है यानी ये नंबर, रासक दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रचलित और सैद्धांतिक मत क्या है, रासक। ठीक है, अब यहां पर सुमेलित करना है। ये रचनाएं दी है कुछ, खुमार रासो के रचनाकार कौन है, है ना। सबसे पहले खुमार रासो, तो खुमार रासो तो आपको पता ही है कि सर खुमार रासो दलपति विजय, बीसल देव रासो ये नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई, और परमाल रासो ये जगनिक की रचना है। ठीक है, खुमार रासो पता ही है आपको दलपति विजय, बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, और परमाल रासो जगनिक। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते जयचंद प्रकाश, किसने लिखा जयचंद प्रकाश, किसने लिखा, भट्ट केदार, मधुकर कवि, नल्ल से, या फिर कोई नहीं। 57 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। दारसु जी, जसमेल जी, जयचंद प्रकाश किसने लिखा है, कुमकुम जी बताइए, और एक बार लाइक जरूर कर देना, सभी साथी लाइक करें जयचंद प्रकाश। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, जिसमें दो पार्ट में है दोस्तों, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, वो हमारे सभी साथी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जयचंद प्रकाश किसने लिखा, 57 नंबर का क्वेश्चन है। और 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया कि सर ये जो भट्ट केदार हैं, इन्होंने ये जयचंद प्रकाश की रचना की, ये नंबर आपका सही है। जय मयंक जस चंद्रिका ये किसने लिखा, ये ग्रंथ किसका है, जय मयंक जस चंद्रिका, अजय कुमार जी बताइए, वंदना जी, वीरेंद्र जी, जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना किसने लिखी है, भट्ट केदार ने, मधुकर कवि, नल्ल से, या फिर विजय से ने। बिंदु लता जी, तनु जी, सुमन जी, सभी लोग बताएं, रिंकी जी, दीपिका जी। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 58 में, और 58 में उत्तर है कि सर जय मयंक जस चंद्रिका इसके रचनाकार मधुकर कवि। मधुकर कवि यानी कि आपका जो बी नंबर है मधुकर कवि वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। उसके बाद अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भावभूति स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद्र, या फिर भट्ट केदार को, श्वेता सैनी जी, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है। 59 नंबर के क्वेश्चन में एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। सौम्या जी, मंजीत जी, अनुज कुमार जी, 59 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करें जल्दी से, शेयर करो फटाफट। अपभ्रंश का भावभूति स्वयंभू को कहा जाता है, कुछ लोग स्वयंभू बता रहे हैं। देखो यहां पर 59 का उत्तर बताया, आपको पता है कि सर जो अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है, भावभूति, भावभूति काय की भावभूति, पुष्प की भावभूति लगाना है अपन को, पुष्प की भावभूति, तो पुष्पदंत
ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है, क्या माना, 60 में प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, पूर्णतः प्रमाणिक या फिर अप्रमाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है, क्या माना है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्वेश्चन आया है दारसु जी, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना इस सीरीज को। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आप सभी के लिए, है ना, अध्ययन करिए। जिनको भी एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी चूकना नहीं, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है तो क्या माना भैया, बताइए जरा, प्रमाणिक मान लिया क्या, अर्ध प्रमाणिक माना या फिर पूर्णतः प्रमाणिक माना है, क्या माना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर पृथ्वीराज रासो को जो माना है वो क्या माना है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर चयन करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। 60 नंबर के क्वेश्चन में और 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका अर्ध प्रमाणिक बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर, अर्ध प्रमाणिक, बहुत बढ़िया। चंदवरदाई का मूल निवास स्थान था दोस्तों पंजाब, लाहौर, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। चंदवरदाई का मूल निवास स्थान क्या था, दीक्षा यादव जी बताओ, चंदवरदाई का मूल निवास स्थान क्या था। शोभा पांडे जी, मूल निवास स्थान बताना है। 61 नंबर के क्वेश्चन में चंदवरदाई का, नीतू जी बता रहे हैं कि सर बी नंबर लगा दो, चंदवरदाई जिन्होंने, जो कि हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, जिन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, इनका जो मूल निवास था वो तो लाहौर, लाहौर यानी बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार आंसर बनाया है। संध्या, संध्या भाषा से तात्पर्य है, संध्या समय की भाषा, सायंकाल की भाषा, अभिप्रायुक्त वाणी या फिर अभिधात्मक शब्द, यानी कि आपको पता है कि संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है ना। 62 नंबर का क्वेश्चन है, 62 नंबर की संध्या से मतलब क्या है, संध्या से तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो संध्या से मतलब क्या है, संध्या भाषा से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य बताना है। मनप्रीत कौर जी बता रहे हैं सायंकाल की भाषा, बहुत बढ़िया। और बताओ, कुछ लोग बता रहे, दीपी बी नंबर राधिका जी बता रही सायंकाल की भाषा, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोस्तों आंसर बताया है, जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है, उन्होंने बताया कि सर अभिप्राय युक्त वाणी यानी सी नंबर, और सी नंबर बनाने वालों के लिए एक बार ताली बजा देना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर ने तो शब्द की बात देखी संध्या, और संध्या तो शाम को कहा जाता है, इसलिए सायंकाल की भाषा होगी। अब सायंकाल की कोई भाषा होती क्या, ऐसा होता है कि नहीं, आप शाम को कोई और भाषा बोलते हो, सुबह कोई और भाषा बोलते हो, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही। संदेश राशक बताइए क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य, गीति काव्य या फिर भक्ति काव्य, क्या है संदेश राशक। 63 नंबर के क्वेश्चन में बताइए, किरणपाल जी, तनु जी, निशा जी, रश्मि जी, संदेश राशक है, संदेश राशक क्या है। 63 का क्वेश्चन है, 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग उत्तर बताएंगे, संदेश राशक क्या है। वीडियो को लाइक भी कर देना, और दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संदेश राशक क्या है, उत्तर है आपका खंड काव्य। खंड काव्य यानी कि जो बी नंबर है आपका, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर। ये संदेश राशक खंड काव्य पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने माना है दोस्तों, क्या माना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए रंजीत जी, वीरेंद्र जी, आनंद जी, पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने क्या माना, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक या पूर्णतः अप्रमाणिक। अरुण राजपूत जी, पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने क्या माना। विनोद कुमार जी, सभी लोग, पुष्पा जी, क्या माना है भैया 64 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक जरूर कर देना एक बार, शेयर भी कर दो, और आपका उत्तर जा रहा है सीधे सीधे कि सर इन्होंने, श्याम सुंदर दास ने इसे क्या माना है, इसे माना है प्रमाणिक, इसे क्या माना, प्रमाणिक, बहुत बढ़िया। जिन्होंने दोस्तों ये लगाया है ए नंबर, उनका आंसर सही है, प्रमाणिक माना है क्या, बहुत बढ़िया ए, ठीक है। श्याम सुंदर दास की बात आई है तो आपका उत्तर ए नंबर चला गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, चंदवरदाई को किसने हिंदी संसार का चासर कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए चंदवरदाई को किसने हिंदी संसार का दोस्तों चासर कहा है। शुक्ल जी ने,
हरियोध ने, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर रामकुमार वर्मा ने। 65 नंबर का क्वेश्चन है, रितु रितु बालाजी बताइए, प्रमोद कुमार जी। वीडियो को लाइक कर देना, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। 65 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना। चंद बरदाई को किसने हिंदी संसार का चासर कहा है, एक अच्छा क्वेश्चन। एक 65 नंबर का क्वेश्चन शुक्ल जी ने कहा, हरियोध ने कहा, रामकुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 65 का उत्तर, वीडियो को लाइक कर दो। और 65 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर हरियोध ने कहा है, हरियोध ने। कार्तिक जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर राइट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई को किसने वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए दोस्तों। नए प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, नए नए प्रश्नों का यहां पर समावेश आपको देखने को मिल रहा है। अब सभी साथी जल्दी से लाइक करें, और इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और चयन करिए, जल्दी से चयन करिए। चंद बरदाई को किसने वीर काव्य बताओ, चंद बरदाई को किसने वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, किसने माना है बताएं। शुक्ल जी, हरियोध, रामकुमार वर्मा या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने, किसने माना भैया। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर वो माना है रामकुमार वर्मा ने, वीर काव्य धारा का प्रथम कवि राम काव्य धारा ने, वीर काव्य धारा का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने माना, रामकुमार वर्मा। किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो पर संदेह होने लगा है बताओ, किस कृति के आधार पर, पृथ्वीराज विजय के आधार पर, परमाल रासो के आधार पर, कुमार रासो या फिर जयचंद प्रकाश के आधार पर। 67 का उत्तर है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो पर संदेह होने लगा, 67 नंबर का क्वेश्चन है, और 67 नंबर का क्वेश्चन, किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो पर संदेह होने लगा है, और आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ए नंबर, यानी पृथ्वीराज रासो आपका बिल्कुल सही, पृथ्वीराज विजय के आधार पर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, उपमा चौधरी जी ऐप डाउनलोड कर लें, और सबसे कम फीस दोस्तों, सबसे कम फीस यानी कि 1500 रुपए फीस में आप दोस्तों बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और किसी भी कोई भी नहीं पढ़ा सकता। किस कवि ने अपने को सट भाषा तथा पुराणों का ज्ञाता होने का दावा किया है, किस कवि ने किया है। 67 नंबर 68 नंबर के क्वेश्चन में, इसके पहले आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है क्या बताइए, चयन करिए। 68 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप लोग यहां पर हरविंदर जी, दीपिका जी सभी बताएंगे, किस कवि ने अपने को सट भाषा तथा पुराणों का ज्ञाता होने का दावा किया है, पुराणों का ज्ञाता होने का दावा। चंद बरदाई ने, दलपति विजय जग ने किया, फिर मधुकर ने, रश्मि जी बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका है चंद बरदाई। किस कवि ने अपने को सट भाषा तथा पुराणों का ज्ञाता होने का दावा किया, तो वो ऐसे कवि है चंद बरदाई, यानी ए नंबर आपका सही है। 12 मासा का आरंभ किस महीने से होता है, 69 नंबर का क्वेश्चन है, चैत्र से, आषाढ़, फागुन या फिर कार्तिक से बताओ। इतना अच्छा क्वेश्चन है, किससे आरंभ होता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन बताएगा। वैसे तो आपको सबको पता है कि सर अंग्रेजी महीना में जनवरी फरवरी मार्च, अब 12 महीना में बता दो, देखते हैं कौन कौन बताएगा। 12 महीने का आरंभ किस महीने से होता है, अरुण जी बताइए, फागुन से होता है क्या, वीनू जी बताइए, और बहुत सारे लोग बता रहे कि सर 12 महीना का जो आरंभ है वो महीनों से होता है, तो वो महीनों से होता है आषाढ़ से। ठीक है, ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, यहां पर अपने अगले प्रश्न है, यहां पर आते हैं, वेरी गुड। किस काव्यधारा ग्रंथ में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किया गया, 12 मासा का आ गया, 12 मासा, ये 12 मासा वर्णन की बात हुई है ना, तो 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया बताइए, नेमिनाथ चौपाई में, नेमिनाथ रास, स्थूली भद्रास या फिर रेवंत गिरिरास। 70 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए फटाफट से,
चयन करिए किस काव्य ग्रंथ में प्रथम बार बारह मासा का वर्णन किया है। सभी लोग बताएंगे, यहां पर बताना है बारह मासा का जो वर्णन इसमें किया गया है उसमें किससे शुरू होता है, तो अषाढ़ से शुरू होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा है और 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर ये जो है बारह मासा का वर्णन किया गया नेमिनाथ चौपाई में। नेमिनाथ चौपाई यानी ए नंबर सही। 8वीं सदी के कवि नहीं, 71 नंबर का क्वेश्चन। 8वीं सदी के कवि नहीं है सरहपा, सबरपा, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। 8वीं सदी के कवि नहीं है तो कौन नहीं है बताएं। सातवां क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। है ना, यहां पर दोस्तों निम्न में ऐसे बताना था तो नेमिनाथ चौपाई, वैसे बीसल देव रासे में सबसे पहले बारह मासा का वर्णन मिलता है बीसल देव रासो में। यहां पर ये विकल्प अनुसार अगर उत्तर लगाएंगे तो आप ए नंबर लगाएंगे। किस काव्य ग्रंथ में प्रथम बार बारह मासा का, ये चार विकल्प में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो अपन नेमिनाथ चौपाई लगाएंगे। वैसे वो ऑप्शन में आपको बताया कि बीसल देव रासो में सबसे पहले बारह मासा का वर्णन मिलता है बीसल देव रासो में, लेकिन ऑप्शन अनुसार यहां पर आपका उत्तर हो गया आठवीं सदी के कवि नहीं है तो कौन नहीं है बताइए। आठवीं सदी के कौन नहीं है, सरहपा, सबरपा, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। हेमचंद्र 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या उत्तर जा रहा है, आठवीं सदी के कवि कौन नहीं है। सरहपा तो है आठवीं के, स्वयंभू भी आठवीं के हैं, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, सबरपा भी है ठीक है लेकिन कौन नहीं है बताया उत्तर सभी ने, हेमचंद्र नहीं है। अब आपको बताना कि हेमचंद्र किस सदी के हैं, सभी लोग बताइए। हाँ, बीसल देव रासो में भी अषाढ़ का वर्णन है तो यहां पर चयन करिए फटाफट से, हेमचंद्र किस सती के माने जाते हैं, ये कल आपका क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए जल्दी से, वीडियो को लाइक करिए एक बार, चयन करिए। और आठवीं सती के कवि नहीं है तो हेमचंद्र नहीं है, डी नंबर आपका सही। हेमचंद्र किस सती के हैं बताओ। अध्यायमाण की रचना है दोस्तों कौन सी है, अध्यायमाण की रचना पायल रानी जी, सुनीता जी, सरोज जी सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना। अध्यायमाण की रचना कौन सी है, सुनीता जी, प्रमोद जी, प्राकृत पेंगलम है, जयचंद प्रकाश प्रबंध चिंतामणि या फिर संदेश शासक, कौन सी रचना है अध्यायमाण की। 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है संदेश शासक। अध्यायमाण की रचना कौन सी है, संदेश शासक है ठीक है। ये क्या है, खंड काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है, विषय बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और अपन ने याद किया था कि जिनके प्रकरण चलते वो दमदार व्यक्ति होते हैं या दमदार व्यक्तियों के प्रकरण चलते हैं, है ना, तो प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है, इसका विषय क्या है, पुराण है, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर व्याकरण है। 73 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, 73 का, और सही आंसर क्या जा रहा है यहां पर, राइट आंसर जा रहा है कि सर व्याकरण, व्याकरण यानी डी नंबर आपका सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का जो विषय है वो व्याकरण है, यानी कि ये व्याकरण ग्रंथ है ठीक है। षड भाषा पुराणम चा कुरान कथितम मया, भाषा के संबंध में ये पंक्ति किस कवि की है, षड भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया, ये पंक्ति किसकी है, जसवीर जी, राजीव जी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी नहीं चूकना। और यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, षट भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया, 74 नंबर में लाइक करो। और ये जो पंक्ति है दोस्तों ये चंदबरदाई की मानी जाती है, बी नंबर चंदबरदाई। बारह मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया, ये क्वेश्चन आपका 75 नंबर सर्वप्रथम पूछा है, तो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया, पद्मावत में, कुमार रासो, बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो में, 75। अब ऊपर का जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको विकल्प अनुसार उत्तर लगाने को कहा था, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो यहां पर आपको 75 नंबर का क्वेश्चन बताना है, लाइक करना है, और आपका उत्तर क्या जा रहा है यहां पर बताइए। विश्वास जी, सिया जी, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर बीसल देव रासो मैंने दोनों बातों आपको क्लियर कर दी है, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर एक में आपने नेमिनाथ चौपाई बताया और एक में आपने बीसल देव बताया। आपको बताया सबसे पहले बीसल देव रासो में बारह मासा का वर्णन मिलता है दोस्तों, लेकिन विकल्प अनुसार भी उत्तर आपको लगाना है,
तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। कौन सी रचना लोक गे काव्य है? लोक गे काव्य बीसल देव रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो, चयन करिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दे सभी साथी। सुनीता जी, बसंत जी, वीरेंद्र जी, श्वेता जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी रचना लोक गे काव्य है? लोक गे काव्य बताना है रजनी जी। 76 का उत्तर है और लोक गे आपका उत्तर है कि सर लोक गे जो काव्य है वो काव्य है परमाल रासो। परमाल रासो यानी कि आपका उत्तर है जगनिक, ये जगनिक की कृति है परमाल रासो। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? मैथिली का बताइए ज्योत्सना जी, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, कीर्ति लता, चर्यापद या फिर ज्ञानेश्वरी? सभी लोग बताएंगे, बार बार रिवीजन भी करना इन क्वेश्चन का। और जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के 3000 क्वेश्चन है, तो मात्र आप 599 में अपने घर पर एक हॉर्ड कॉपी मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। वर्ण रत्नाकर, कीर्ति लता, चर्यापद या फिर ज्ञानेश्वरी? एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी लोग बताएंगे यहां पर। दोस्तों ए बुक है आपकी, ए वाली बुक है, ये 3000 प्रश्नों की दोस्तों टेस्ट सीरीज है, इसमें 3000 प्रश्न है पूरे पूरे। ठीक है, हिंदी व्याकरण और साहित्य के टॉपिक वाइज है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको जो नंबर चल रहा है उस पर फोन पे करना है, पूरा पता देना है, ये आपके घर एक सप्ताह में पहुंचेंगे ये नोट्स। ठीक है, तो जिनको भी मंगवाना दोस्तों वो मंगवा सकते, बहुत ही बंपर ये दोस्तों बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, और यहां पर मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ पूछा गया, यानी कि 77 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है वर्ण रत्नाकर, यानी ए नंबर। ठीक है, किस रचना में वर्णमाला का वर्णन है? वर्णमाला का वर्णन किस में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 78 नंबर में बताइए, जल्दी से बताइए। विश्वास मलिक जी, सोनू जी, सुनैना जी, किस रचना में वर्णमाला का वर्णन है ये बताना है। लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर भी कर दीजिए, किस रचना में वर्णमाला का वर्णन है? 78 नंबर का क्वेश्चन है, 78 में बताना है पूनम रानी जी, 78 का लाइक कर दो सभी साथी। और आपका उत्तर है कि सर वर्णमाला का जो वर्णन है वो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दोस्तों ये वर्णमाला का वर्णन है, और ये आपने पढ़ा था कि ये कैसा ग्रंथ है, ये व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। कैसा ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये अपन को याद कर लेना है, है ना? ठीक है, सभी लोग याद करेंगे तो ये वर्णमाला का वर्णन है इसमें। ठीक है, सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, ऐसे याद करेंगे, है ना? उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपके सामने कि किसे शब्दकोश कहा जाता है? किसे शब्दकोश कहा जाता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, सभी लोग बताइए, बताओ। वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल या फिर कीर्ति लता, किसे शब्दकोश कहा जाता है? ये नोट्स मात्र 599 के हैं दोस्तों, 599 के हैं। ठीक है, आप अपने घर पर मंगवा, 500 के नोट्स हैं, 99 रुपए पोस्ट चार्ज है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 599 पे करके दोस्तों अपने घर पर, ये 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, लेकिन है ना, हिंदी साहित्य का अगर विस्तृत नोट्स मंगवाना है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, उसके लिए आप कॉल कर लेना, उसकी प्राइस अलग है। ठीक है, तो यहां पर किसे शब्दकोश कहा जाता 79 नंबर के क्वेश्चन में, तो शब्दकोश कहा जाता है वर्ण रत्नाकर को, वर्ण रत्नाकर को। ठीक है, इसे शब्दकोश कहा जाता है, बी नंबर, बी नंबर आपका सही है, ये शब्दकोश ग्रंथ है, शब्दकोश कहा जाता है वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन सा ग्रंथ बृहगीत काव्य है? बृहगीत काव्य कौन सा है? बृहगीत काव्य बताइए नीलम जी। परमाल रासो है क्या? बीसल देव रासो है? कुमार रासो है? बृहगीत काव्य कौन सा है? 80 नंबर में लाइक कर दो एक बार जल्दी फटाफट से, शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। ये रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है दोस्तों, जिसमें आपके लिए बंपर तरीके से नए नए प्रश्न लाए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लाए जाते हैं। अब आपको यहां पर कौन सा दोस्तों ग्रंथ है? बृहगीत काव्य है ये पूछा गया है, 80 का क्वेश्चन। तो परमाल रासो तो नहीं है, पृथ्वीराज रासो है क्या? नहीं है, फिर कौन सा है? तो आपका उत्तर चला गया कि सर बीसल देव ये जो है
अजमेर के शासक से संबंधित रचना है बीसल देव रासो, ब्रह गीत काव्य है दोस्तों, ये आपका सी नंबर सही है। श्रृंगार एक रचना है सी नंबर। महा पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 81 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? किसने कहा बताइए, श्वेता जी, राधिका जी, शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, बच्चन से, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? 81 नंबर का क्वेश्चन है और लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। राजनीतिक राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? कुबेर जी। और राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी जो कहा है, सभी लोग बता रहे कि सर ये कहा है बच्चन सेन ने। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहने वाले जो विद्वान है वो विद्वान है बच्चन सेन, यानी आपका उत्तर सी नंबर है। ठीक है, ये याद करेंगे। ठीक है बच्चे, बोले सर याद कर लेना, आदिकाल के लोक साहित्य में कौन सी रचना नहीं है? लोक साहित्य में, लोक साहित्य में कौन सी रचना नहीं है? बसंत विलास, ढोड़ा मारूरा दुहा, खालिक बारी, या फिर वर्ण रत्नाकर? जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है आप लाइव क्लास में एडमिशन ले सकते हैं सभी साथी। ठीक है, लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, संकल्प बैच में एडमिशन ले सकते हैं, मात्र मात्र दोस्तों, है ना। जब लोग बताइए फटाफट से लाइक कर दीजिए एक बार, आदिकाल के लोक साहित्य में कौन सी रचना नहीं है? बसंत विलास, ढोला मारूला दुआ, खालिक बारी, या फिर वर्ण रत्नाकर? ब्यासी का राइट आंसर चला गया कि सर यहां पर आप वर्ण रत्नाकर लगा दो, ये लोक साहित्य की रचना नहीं है। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर वर्ण रत्नाकर, ये तो शब्दकोश है, ये शब्दकोश है। ठीक है, अपभ्रंश की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ? अपभ्रंश की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ? आपने देखा होगा मिश्रित चलती थी दोस्तों, अब राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, या फिर बिहारी का प्रयोग नहीं हुआ? बताइए अमित जी, बीनू जी, सुनैना जी, सभी लोग बताएंगे अपभ्रंश की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। 83 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सर राजस्थानी का तो हुआ है, ब्रज का भी हुआ, खड़ी बोली का भी हुआ, लेकिन बिहारी का नहीं हुआ। डी नंबर आपका सही है, बिहारी। चरपट और भर्तृनाथ का संबंध किससे है? 84, चरपटनाथ और भर्तृनाथ का संबंध किससे है बताइए राजेश जी? सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, या फिर कोई नहीं? चरपटनाथ और भर्तृनाथ का संबंध किससे है? 84 का उत्तर लाइक जरूर कर देना एक बार, चरपटनाथ और भर्तृनाथ का संबंध किससे है? 84 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बताइए 84 नंबर के क्वेश्चन में, वीडियो को लाइक करेंगे, और चरपटनाथ और भर्तृनाथ का संबंध किससे माना जाता है? और इतना बढ़िया क्वेश्चन लाइक कर देना है, शेयर भी कर दीजिए सभी साथी, और वीडियो को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चरपटनाथ आपका उत्तर है कि सर ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, हठयोग का प्रभाव निम्न कवियों में से किस पर पड़ा है? 85 का क्वेश्चन, हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है 85 का? तो यहां पर स्वयंभू है, दूसरा घाघ भट्टरी है। हठयोग का प्रभाव पूछा गया किस कवि पर पड़ा है? अगले विकल्प की ओर यहां पर आएंगे दोस्तों, अगला विकल्प यहां पर आ रहा है आपके सामने, हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है? गोरखनाथ, अद्दहमाण। हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा 85 का उत्तर जल्दी से बताइए। सभी लोग बताना है जल्दी से। फटाफट बताएंगे, यहां पर आपका उत्तर है गोरखनाथ, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? आलाखंड बताइए 86 नंबर में, आलाखंड किसका है? अमीर खुसरो दोस्तों, खड़ी बोली के आदिकाल में नहीं थे क्या? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अब यहां पर अपभ्रंश का पूछा है कि अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं वो 14वीं सदी तक लिखी जाती रही, अपभ्रंश की रचनाएं,
ठीक है। और अपभ्रंश में पूछा है कि अपभ्रंश में किस किन भाषाओं का प्रयोग नहीं हुआ। यहां पर अपना जुगाड़ नहीं लगाना मन से कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अपना मन से जुगाड़ नहीं लगाना, ठीक है। किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है? पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो या फिर हमीर रासो? तो आपको बताइए कि सर यहां पर आपका उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। दूसरा नाम आलाखंड किसका है? परमाल रासो को, ठीक है। नाथ मूलतः किसकी उपासना करते थे बताओ? शिव की, विष्णु, शून्य या फिर कोई नहीं? चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दो। नाथ मूलतः किसकी उपासना करते थे? नाथ किसकी उपासना करते थे? गुरप्रीत जी बताइए, अनुज जी, 87 नंबर के एक बढ़िया से क्वेश्चन में आपने लगाया कि सर नाथ जो है ना, नाथ किया करते थे, किसकी उपासना? शिव की। और आपका बिल्कुल सही आंसर है शिव, यानी ए नंबर आपका राइट है, ठीक है। आदिनाथ शिव, आपको पता है कि जो नाथ संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक आदि प्रवर्तक माने जाते आदिनाथ अर्थात शिव, ठीक है। चंद वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने पूरा किया भैया पृथ्वीराज रासो को? चयन करो अनुज कुमार जी, राज जी, नीलम जी, वीडियो को लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी मित्रगण, और शेयर भी कर देना। चंद वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया है? किसने पूरा किया बताएं? सभी को पता है कि जल्लड़ पुस्तक हत्तदई है ना, या पुस्तक जल्लड़ हत्तदई, यानी कि आपका जो बी नंबर है, ये बी नंबर जल्लड़ बिल्कुल सही आंसर है। लाइक कर देना सभी। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभाजित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितने खंडों में है? 3, 2, 4 या फिर 5 खंडों में बीसल देव रासो? 89 नंबर का क्वेश्चन है, कितने खंडों में विभाजित है बीसल देव रासो? खंड पूछा है यहां पर, कितने खंडों में विभाजित है विभाजी? और आपका उत्तर है कि सर बीसल देव रासो कितने खंडों में विभाजित है? उत्तर है आपका 4 खंडों में, ठीक है। निकिता जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। कौन आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता था? 90 नंबर का क्वेश्चन, कौन आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता था? बुलर, वाटरफील्ड, ग्रियर्सन या फिर याकोबी? याकोबी कौन मानता था आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड कौन मानता था? और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? राजदीप जी, स्वाति जी, सभी लोग किया करें दोस्तों, जल्दी से कर लो, प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और यहां पर आला खंड जिसके रचनाकार जगनिक हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन है, और 90 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है कि सर वाटरफील्ड जो है, वाटरफील्ड ये आला खंड को पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड मानते हैं। तो बी नंबर आपका वाटरफील्ड ने माना है, वाटरफील्ड फील्डिंग कर रहे थे, है ना। तो यहां पर देखो, 12 वर्ष लो कूकर जिए और 13 लो जीएसआर, ये जो पंक्ति है, पंक्ति किसकी है बताओ? बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये जो पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? 91 में। लाइक जरूर करें सभी साथी, शेयर भी कर दें अपने मित्रों को, रोज रात्रि 9 बजे क्लास में जुड़े, ठीक है। और सभी साथियों को लेकर आए 12 वर्ष लो कूकर जीबे और 13 लो जीएसआर, 91 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति ली गई है परमार रासो से ली गई है, परमार रासो, ठीक है, आलाखंड से ली गई है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? विकल्प अनुसार यहां पर उत्तर बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, विकल्प अनुसार उत्तर अपन को चयन करना है दोस्तों। 92 नंबर का क्वेश्चन, कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है बताएं? 57, 62, 52 या फिर 68? कहीं कहीं आपको 72 भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको उत्तर क्या लगाना? 68 लगाना, ये सी नंबर आपका यहां पर सही होगा, ठीक है। तो विकल्प अनुसार भी उत्तर अपन को लगाना है दोस्तों। कई बार भल्ला हुआ जो मारिया है ना, बहिड़ी महारा कंतु और लज्जे जुमतु बयम सियाहु जय भग्गा घरु अंतु, ये पंक्ति किसी? भला हुआ जो मारिया, बताओ ये पंक्ति किसकी है? मैंने कई बार याद करवाई है, शायद आप लोगों को ट्रिक याद आ गई होगी। ट्रिक अगर याद आ गई है अमन जी, तो जल्दी से बताओ,
चयन करिए भल्ला हुआ जो मारिया फटाक से। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मेहारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है? बोले भला हुआ जो तुमने मारिया, कहां मारिया? होम पर ही मारिया। बोले बाहर नहीं मारा, नहीं तो बेइज्जती होगी। भला हुआ जो होम पर ही मारा, होम पर है ना, होम से क्या बनेगा? होमचंद्र, हेमचंद्र आ गए अपने होमचंद्र, ठीक है। आदिकाल लोक साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित छंद कौन सा है? 94। आदिकाल लोक साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित, जल्दी से बताइए, चयन करिए। आदिकाल लोक साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित छंद है दोहा, दोहा है, चौपाई, छप्पाई या फिर कुंडलियां, बताए। और बिल्कुल राइट आंसर जा रहा कि सर 94 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर ये जो आदिकाल लोक साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित जो छंद है वो छंद कौन सा है, तो आपका उत्तर है कि सर वो है दोहा, ठीक है। ए नंबर 94 नंबर का आपका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो गया, कौन मूर्छित हो गया, कौन मूर्छित हो गया भैया? विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते देखो, यहां पर अभी तक तो अपन परमानंद दास के बारे में पढ़ते हैं कि परमानंद दास का एक पद पढ़ करके बल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे, लेकिन विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाता था, ऐसा 95 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपका उत्तर कहां जा रहा है यहां पर? राइट आंसर जा रहा कि सर इनके पदों को पढ़ते पढ़ते चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, बहुत बढ़िया, सी नंबर सही है। एक और अंतिम क्वेश्चन है कि विद्यापति का मूल निवास क्या था, मूल निवास बताइए। मनु जी, कल्लू जी, विनोद जी, दारसू जी, राजेश्वरी, कमलेश, अजय जी, दीपिका जी, विद्यापति का मूल निवास क्या था, चयन करिए और राइट आंसर बताना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। और दोस्तों आप लोग हिंदी साहित्य के टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन ले लें, ठीक है। विद्यापति का मूल निवास, ये क्वेश्चन आपसे 96 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है और आपका उत्तर जा रहा कि सर ये था इनका दरभंगा, ठीक है, दरभंगा बिल्कुल सही है इरफान जी, ये नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इतने अच्छे से हंसते हंसते अध्ययन किया है, कल दोस्तों और भी प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लगे रहें इसी प्रकार से। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, है ना दीक्षा जी। और जिनको भी एडमिशन लेना 1500 में 12 महीने की वैलिडिटी है 1500 में दोस्तों, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आगे एलटी का भी एग्जाम आता है तब भी आपको अलग से लेने का की कोई जरूरत नहीं है, एलटी भी आपका इसी में दोस्तों चलेगा, ठीक है। तो पंजाब मास्टर के अंडर वाले साथी जिनको भी दोस्तों ये आपको लेना है कोर्स, ये मॉडल पेपर लेना है, आप मॉडल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी वाले न्यू बैच में एडमिशन लेना ले सकते हैं। और जिनको भी ये प्रैक्टिस बुक मंगवाना है जिसमें 3000 प्रश्नों के दोस्तों प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। क्या करना है? पे करना है दोस्तों 599 और आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और जिनको भी हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन के नोट्स घर पर मंगवाना है आप लोग संपर्क करें और दोस्तों अपने घर पर मंगवाएं। कमलाकांत जी, जसवीर, नीतू जी, अंजू जी, रागनी जी, वंदना जी, मोहित जी, सभी साथी दोस्तों लगे रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और एक बढ़िया सा सेशन है जिससे आपको जुड़ना है, इरफान जी पैड क्लास में होती है, टिर्की क्लास, शिल्पी, राजकुमारी, इरफान, आचार्य जी, सुनीता जी, अनुज जी, बिंदुलता, रोज जी, नीलम जी, निशा, गुरप्रीत जी, दारसू जी, अनुराग जी, प्रमोद, स्वाति, जूही जी, जसवीर, लखविंदर, राजेश जी, अनुज जी, बीना जी, ठीक है, और पायलानी जी, अंजू जी, इरफान जी, वंदना जी, ठीक है, राजकुमारी जी, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर करें। और आज के बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।